देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हिंदू धर्म के चार प्रमुख त्योहारों में होली का त्योहार 24 एवं 25 मार्च को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां 24 मार्च को होलिका दहन होगा, वहीं 25 मार्च को धुलेंडी का पर्व मनाया जाएगा। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में होली पर्व की धूम शुरू हो चुकी है। होली पर्व पर इंदौर नगर निगम वार्ड 64 के पार्षद एवं MIC सदस्य श्री मनीष शर्मा मामा ने समस्त शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी मई में देश भर में लोकतंत्र के महायज्ञ के रूप में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। श्री शर्मा ने शहरवासियों से कहा कि जिस तरह हम स्वच्छता में नंबर वन है, उसी तरह मतदान में भी नंबर वन बने और अधिक से अधिक मतदान करें। श्री शर्मा ने शहरवासियों से होली पर्व पर पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होली का दहन में लकड़ी का उपयोग कम करने एवं जल बचाने की भी अपील की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी मिला है, हालांकि वह भी ऐसा है जिसे कोई नहीं जानता। मुझे भी आज के अखबारों और आपके माध्यम से ही उम्मीदवार का नाम पता चला है। पंचमी पर्व की बताएं मामा, होली और रंगपंचमी का त्योहार आ रहा है, क्या किस तरह से? सभी इंदौर वासियों को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से होली की और उसके साथ ही रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से सभी नागरिकों ने जो इंदौर को स्वच्छता में 7 बार नंबर वन बनाया, उसी प्रकार ट्रैफिक में भी जो महापौर जी का जो एक अभियान चल रहा है ट्रैफिक में इंदौर को नंबर वन बनाने का, उसको भी साकार करेंगे। ट्रैफिक में भी इंदौर को नंबर वन बनाएंगे। आगामी मई में जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस ने जो है अक्षय बम जैसे एक नए व्यक्ति को टिकट दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बार? सबसे पहले तो कि उनको उम्मीदवार मिल गया, इसके लिए बधाई, क्योंकि जहाँ तक था कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो उम्मीदवार मिलने की उनको बधाई। अब जो उम्मीदवार मिला है, पहले तो उसको पहचान का अनुभव है। मैंने तो आज पहली बार आपके मुंह से नाम सुना है और अखबारों के माध्यम से मालूम चला कि कोई कांग्रेस में इस प्रकार का कोई कार्यकर्ता भी है। तो किस तरह की चुनौती बन पाएंगी भैया? देखिए कि शहर के सभी और देश में मालूम है आपको किस प्रकार का माहौल चल रहा है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा, इंदौर शहर को किस प्रकार से आगे ले गए हैं और किस प्रकार से मध्य प्रदेश की स्थिति थी पहले। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, कांग्रेस ने विनाश के सिवा कुछ नहीं करा प्रदेश में, शहर में। सबको मालूम है किस प्रकार से विकास हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, हम लोग 8 लाख पार करेंगे। मतदान में इंदौर का नंबर वन बनाने के लिए आपकी क्या अपील है? देखिए मैं सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और बस। भीषण गर्मी का मौसम रहेगा मई के अंदर, देखिए गर्मी तो है लेकिन मतदान अच्छा होगा और हम लोग लगे हैं सभी कार्यकर्ता। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।